हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। पूनम सी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्लम का अचार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। हमने ये प्लम लिया है, उसको अच्छी तरह से हमने धो के ड्राई करके इसे पोंछना है और प्लम के बीच बीच में हमने थोड़ा सा कट करना है। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हमने पीसी हुई लाल मिर्च लेनी है, नमक स्वाद के अनुसार, 3 टेबल स्पून मीठा सौंफ, 5-6 टीस्पून चीनी लेना है, मेथी दाना 1/2 टीस्पून। प्लम को काट के हमने 1 दिन धूप में सुखाना है। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 1/2 कप या 4-5 टेबल स्पून। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे मेथी दाना 1/2 टीस्पून। मेथी दाना लिया है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्लम। प्लम को डाल के हमने इसे चलाना है। एक टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल के भी हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। मैंने इसमें 2 टीस्पून लिया हुआ है। चीनी, चीनी आपने 4-5 टीस्पून लेना है। यह आपको कितना मीठा बनाना है। रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, अब हमने एक पैन लेना है। पैन गरम होने पर हम इसमें डालेंगे मीठा सौंफ और इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। ठंडा होने पर हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। प्लम का पानी जो है ड्राई हो चुका है और अब हमने इसमें डाला है रोस्ट किया हुआ मीठा सौंफ। जब भी आपने ये मसाला डालना है, अचार को हमने ठंडा होने देना है, उसके बाद ही मिक्स करना है। कलौंजी,
और चीनी। कलौंजी को हम साबुत ही डालेंगे और रोस्ट नहीं करना है इसे। सभी मसाले को डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्लम का अचार हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम आपसे मिलेंगे वेनसडे को शाम को 6 बजे।